दोस्तों स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग राजनीति विज्ञान का मतलब पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये कानून से भी कनेक्टेड है और इस टॉपिक का नाम है तानाशाही। अनेक बार हम सब लोगों ने ये टर्म सुनी है कि तानाशाही रवैया या अधिनायकवाद क्या होता है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे डिक्टेटरशिप क्या होती है, तानाशाही क्या होती है और इसी को ही ऑटोक्रेसी भी कहा जाता है। ऑटोक्रेसी, तानाशाही, अधिनायक तंत्र, तो ये सारी बातों को आज हम लोग समझेंगे। आज हम लोग विश्व में यदि कहीं भी देखें तो तीन प्रकार की सरकारें हमें नजर आती है। सबसे अधिकांश देशों में लोकतंत्र को अपनाया गया है जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने इसकी डेफिनेशन दी थी, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। यदि हम भारत की भी बात करें तो भारत में भी लोकतंत्र है, यानी जनता जो है अपने नुमाइंदे मतलब जनप्रतिनिधि चुनती है और ये जनप्रतिनिधि देश चलाते हैं। अगर इनकी देश चलाने का तरीका ठीक नहीं होगा तो अगले 5 साल के चुनाव में जनता जो है वो विपक्षी दल को मौका दे सकती है या दूसरे को मौका दे सकती है। तो अल्टीमेटली शासन जनता के द्वारा चलाया जाता है, इसीलिए इसको लोकतंत्र कहा जाता है। और एक तंत्र होता है जिसे हम राजतंत्र कहते हैं, जिसे मोनार्की भी कहा जाता है। मोनार्की राजतंत्र वो होता है जहाँ पे राजा रानी वाला सिस्टम चल रहा है, एक रॉयल फैमिली है, एक रॉयल परिवार है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट चलाई जा रही है। आज हम ब्रिटेन में भी देखें तो ब्रिटेन में आज भी राजशाही चल रही है, जैसे हम मोनार्की कहते हैं, या इसी मोनार्की को हम एरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं, इसको राजतंत्र कहा जाता है। भारत में प्राचीन समय में राजा रानी का ही सिस्टम चलता था, एक राजा यानी एक शासक होता था और वो पूरी प्रजा पर अपने हुक्म यानी अपने दिशा निर्देश चलाता, पूरे देश को एक राजा चलाता था। तो ये राजशाही व्यवस्था होती है। और तीसरी जो व्यवस्था होती है विश्व के अनेक देशों में, यह भी चल रही है लेकिन ये अपने ऊपर कुछ लोकतंत्र का चादर ओढ़े हुए रहती है, मतलब है तो तानाशाही पर वो दिखा नहीं रहे कि वो तानाशाही है, वो अपने यहाँ पर उन्होंने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सम्राट के नाम रख रखे हैं। जैसे हम यदि नॉर्थ कोरिया की बात करें, यदि हम चाइना की बात करें, यदि हम रशिया की भी बात कर लें, तो ऐसे अनेक, कम्बोडिया, ऐसे अनेक देश है जहाँ पर तानाशाही चल रही है। और इन तानाशाही के लिए हमारे दिमाग में कुछ नाम आते हैं, जैसे हिटलर, एडोल्फ हिटलर का नाम आता है जो जर्मनी में थे, इटली में मुसोलिनी के नाम को जब हम याद करते हैं, या पाकिस्तान में तो अनेक बार वहाँ तो चलती ही एक प्रकार से तानाशाही है, जैसे परवेज मुशर्रफ की बात करें। तो ऐसे ऐसी व्यवस्था जिसमें पूरा शासन एक व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है, उस व्यक्ति ने उस पूरे देश की मिलिट्री पर अपना कब्जा किया हुआ है, उस व्यक्ति अथवा समूह ने ताकत के दम पर या बल के दम पर, फोर्स के दम पर शासन चला रहा है, ऐसा व्यक्ति तानाशाह कहलाता है और इसी व्यवस्था को तानाशाही कहते हैं। तो आज हम समझेंगे डिक्टेटरशिप क्या होता है, इसे इंग्लिश में डिक्टेटरशिप कहा जाता है, उर्दू का एक शब्द है जिसे हम तानाशाही कहते हैं और हिंदी में इसे अधिनायक तंत्र कहते हैं। अभी अधिनायक तंत्र, तानाशाही और डिक्टेटरशिप क्या होती है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं यानी परिचय की ओर। तो हमने देखा है कि देश का जो शासन होता है या देश की जो सत्ता होती है वे उसके अलग अलग नियम बताए गए हैं। एक लोकतंत्र की हम लोगों ने बात की, एक राजतंत्र की बात की, इसी प्रकार एक निरंकुश तंत्र होता है, इसी को ही तानाशाही कहते हैं। तो शासन और सत्ता यदि बल के दम पर, बल यानी ताकत के दम पर कोई व्यक्ति हासिल करता है या सेना को अपने कंट्रोल में करके उस पूरे देश पर सत्ता चलाता है, अपना शासन चलाता है, तो इसी को ही अधिनायक तंत्र, अधिनायकवाद कहते हैं, निरंकुश तंत्र कहते हैं, इसी डिक्टेटरशिप कहा जाता है। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय द वन पर्सन और द ग्रुप, एक व्यक्ति द्वारा या किसी समूह द्वारा चलाई जाती है या स्मॉल ग्रुप द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल उसको बैकअप नहीं है, यानी उस सरकार को ना तो संविधान ने कुछ शक्ति दी है या ना तो कानून ने कोई शक्ति दी है। तो बिना कानून और बिना संविधान के जो व्यक्ति अपना शासन चलाता है उसी को ही तानाशाही कही जाती है और इसी को अधिनायक तंत्र कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो ये जो डिक्टेटर शब्द है एक लेटिन भाषा का शब्द है। डिक्टेटर इज द वर्ड अराइज फ्रॉम द लेटिन वर्ड और ये रोमन रिपब्लिक में इसे कहा जाता था टेम्प्ररी मजिस्ट्रेट, यानी रोमन जो व्यवस्था थी उसमें एक टेम्प्ररी मजिस्ट्रेट हुआ करता था जिसे डिक्टेटर बोलते थे। और ये डिक्टेटर जो होता था ये एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर लिए होता था, एक ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके पास कुछ विशेष शक्तियां होती थी और डील्स स्टेट क्राइसिस, यानी राज्य जब कभी संकट में आता था तो ये मजिस्ट्रेट
उन विशेष शक्तियों का उपयोग करता था। आगे चल के यही डिक्टेटरशिप जो है ये यूज किए जाने लगी तानाशाही शब्द के लिए। अब इसकी प्रकृति यदि हम देखें तो डिक्टेटरशिप या तानाशाही का नेचर देखें तो ये फोर्स के दम पर चलने वाला शासन है। फोर्स मतलब ताकत के दम पर चलने वाला शासन है, या सत्ता फोर्स या फ्रॉड से हासिल की गई है, या तो कपट के माध्यम से या बल के माध्यम से, और पॉलिटिकल पावर व्यक्ति ने अपने हाथ में ले लिया है। यूज ऑफ इंटिमिडेशन, जिसमें डर धमकी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। डर धमकी मतलब मारपीट, डर धमकी हिंसा का प्रयोग, टेरर, इसमें टेरर का उपयोग होता है। सप्रेशन दबाव, यदि जो व्यक्ति अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, धरना आंदोलन, इन सब के ऊपर क्या कर सकते हैं, दबाव यानी किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार यहाँ पर पूरी तरीके से दबा दिए जाते हैं। सप्रेशन का मतलब होता है फोर्सफुली यानी बलपूर्वक किसी चीज को दबा देना। अब इसके एग्जांपल्स की यदि हम बात करें तो अनेक एग्जांपल्स हैं जो हमारे सामने हैं। जैसे आप सभी को याद है नाजी जो थे जर्मनी में, वो किनके द्वारा लीड किए जा रहे थे, एडोल्फ हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर के नाम से हम सब लोग परिचित हैं। जर्मनी वॉज रूल्ड बाय वन पर्सन, दैट वॉज एडोल्फ हिटलर, और ये एक द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत बड़े कारण भी थे। सोवियत यूनियन की यदि हम बात करें तो सोवियत यूनियन में भी जोसेफ स्टालिन, स्टालिन करके जो व्यक्ति थे, ये भी एक तानाशाही की भूमिका इन्होंने निभाई थी। इटली की यदि हम बात करें तो इटली में बेनिटो मुसोलिनी भी एक तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी ऑटोक्रेट्स, या ऑटोक्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं या डिक्टेटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब यदि हम प्रेजेंट स्टेटस देखें, क्या वर्तमान में भी विश्व में तानाशाही आज भी चल रही है कि सिर्फ लोकतंत्र चल रहा है? तो विश्व के 70% देशों में, लगभग 70% देशों में डेमोक्रेसी चल रही है, लेकिन आज भी ऐसे अनेक देश हैं जहां पर आज भी तानाशाही चल रही है। जैसे हम यदि चाइना की बात करें तो चाइना दिखावे के रूप में जरूर बताता है कि हमारे यहाँ पर एक सरकार है, लेकिन देखा जाए तो चाइना में एक प्रकार से तानाशाही है। नॉर्थ कोरिया, जिसमें हम किम जोंग के नाम से जानते हैं, तो नॉर्थ कोरिया में भी तानाशाही ही चल रही है। रशिया भी देखा जाए तो एक प्रकार से तानाशाही है, कंबोडिया में तानाशाही चल रही है। और यूज टाइटल्स, ये लोग लेकिन टाइटल कैसे यूज करते हैं, अपने यहाँ पर कई जगह पे प्रेसिडेंट यूज कर रहे हैं, जैसे व्लादिमीर पुतिन एक राष्ट्रपति बताए जाते हैं। किंग जॉन तो आपको याद ही है, कई जगहों पे राजा का नाम यूज हो रहा है, कई जगहों पे प्रधानमंत्री का नाम यूज किया जा रहा है, जबकि वो एक्चुअली है तानाशाही। अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं, तो आज के इस टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि ऐसा शासन जो एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, एंड ऑल डिसीजंस विल बी टेकन बाय दैट पर्सन, यानी सरकार के समस्त निर्णय वह व्यक्ति लेता है। सरकार कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, प्रजा को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें एक ही व्यक्ति तय कर रहा है, उसे तानाशाही कहा जाता है। और यहाँ पर कंसेंसस का कोई स्थान नहीं होता है, सर्वसम्मति का कोई स्थान नहीं होता है, और यहाँ पर डेमोक्रेसी का भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ पर जो फ्रीडम्स के जो राइट्स होते हैं, यानी नागरिकों को जो अधिकार है, उन अधिकारों को कुचला जाता है। नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती है, नागरिकों को जितने प्रकार के अधिकार है वे अधिकार यहाँ पर नहीं होते। तो ये है मित्रों डिक्टेटरशिप, जैसे आज हम लोगों ने समझा। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को देखने समझने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल लॉ इजी, और ऐसे समस्त विद्यार्थी जो LLB, BLLB और जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।